नमस्कार दोस्तों, आइए आज ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है और इसमें क्या क्या हम अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि पहले ये जानें कि ऊर्जा से क्या कार्य होते हैं। हमें कोई भी कार्य करना है, मनुष्य हो, मशीन हो या यंत्र हो, उसके कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर सकते, यानी कि संपूर्ण कार्यकलाप को करने के लिए मनुष्य को या मशीन को या कोई आपकी कोई भी यंत्र है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ऊर्जा कितने प्रकार की है ये जानते हैं। इसको किस प्रकार से अध्ययन के लिए हमने इसको विभिन्न प्रकार में बांटा है, तो आइए देखते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार के संभव हो सकती है। ये देखिए, ऊर्जा के तीन प्रकार हमने बांटे। पहला हमने बताया कि प्राथमिक ऊर्जा व सेकेंडरी ऊर्जा। दूसरा हम कैटेगरी बांट सकते हैं वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक, यानी कि कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी हम बांट सकते हैं नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एनर्जी को हम तीन प्रकार का बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आइए अब देखते हैं प्राइमरी ऊर्जा और सेकेंडरी ऊर्जा क्या होती हैं, है ना। इनका क्लासिफिकेशन का डिटेल्स पढ़ते हैं। अब प्राइमरी ऊर्जा की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर यह है प्राइमरी ऊर्जा की बात। प्राइमरी ऊर्जा कौन सी होती है जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस या रेडियोधर्मी पदार्थ, जिससे कि हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इन प्राइमरी ऊर्जा स्रोतों से, कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस या रेडियोधर्मी पदार्थों से, हम अपने अनुसार जो कि हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हिसाब से आवश्यकता होती है, तो इन सोर्सों का प्रयोग करके हम यहाँ पर कोयले को स्टीम या थर्मल के रूप में इंडस्ट्री में प्रयोग कर सकते हैं, तेल को एलपीजी, पेट्रोल या डीजल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और इसी प्रकार प्राकृतिक गैस है उसको नेचुरल गैस के रूप में, जो आप सीएनजी वगैरह यूज़ करते हैं उसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और रेडियोधर्मी पदार्थ है परमाणु ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम प्राइमरी जो सोर्सेज हैं, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी पदार्थ इत्यादि, इनसे हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्स या बना सकते हैं, जिसको कि सेकेंडरी एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे कि स्टीम, थर्मल, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी हो गई सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज की। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कैटेगराइजेशन हमने बात की। आइए अब देखते हैं कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं। जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू वैल्यूएट किया जा सकता है जिसको, जैसे कि बिजली, तेल, प्राकृतिक गैस, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। और जिनको हम बाजार में उपलब्ध नहीं होते और बेचने के लिए उपलब्ध नहीं होते, या ऊर्जा स्रोत के रूप में हम इसको नहीं बेचते बाजार में, जैसे कि हम और हम डेली घरों में यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को, जैसे कि पशुओं का गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था पशु द्वारा, गन्ने की पिराई के लिए पशु शक्ति का प्रयोग, तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं और इसका कॉमर्शियली अवेलेबिलिटी इसकी नहीं होती है, तो इसको इनको हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब एक थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी थी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैसे होते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं जो अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती है। अक्षय मतलब जो कि कभी ख़त्म ना हो सके, जैसे कि विंड, सोलर या वाटर, ये प्राकृतिक सोर्सेज हैं और ये कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं सोर्सेज हैं, तो इसीलिए इनको कैटेगरी हम डालते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और इसकी दूसरी कैटेगरी जो बाकी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हम डालते हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस या पेट्रोलियम या प्रोड्यूसर्स ऑफ। अब ये क्या करता है, कोयला, तेल और गैसेस ये हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ये हमारे
धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। और जितने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं हमारे, प्रोड्यूसेस पोल्यूशन, तो ये हमारे पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो हमने देखिए जाना कि एनर्जी सोर्सेज को हम, पहली चीज़ कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, मनुष्य हो या मशीन हो या कोई भी यंत्र हो, उस वो जब तक ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है तब तक उसका काम संभव नहीं है। यानी कोई भी कार्य संपादित करना है तो आपको ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। इन ऊर्जा स्रोतों को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत, कमर्शियल नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने फिर इसको जाना कि क्या चीज़ होती है, जो हमारे नेचुरल पदार्थ मिलते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसेज हैं या रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, तो ये हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज होते हैं। इन प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग करके हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ से हम स्टीम, थर्मल या एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस या परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, तो ये सारे एनर्जी सोर्सेज हमारे सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी कमर्शियल नॉन एनर्जी, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज वे होते हैं जो कि बाज़ार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, जैसे बिजली, तेल, प्राकृतिक गैस। और नॉन कमर्शियल वो होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि गौ पशुओं को गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था पशु द्वारा, गन्ने की पराई के लिए पशु शक्ति का प्रयोग इत्यादि। और थर्ड कैटेगरी हमने जानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल जैसे कि वो होते हैं जो अक्षय ऊर्जा सोर्सेज होते हैं, जैसे विंड, सोलर, वाटर इत्यादि, जिसका हम जैसे हम विंड हमारी हमेशा प्राकृतिक है तो कभी ख़त्म नहीं होती है, सोलर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती रहती है वो भी अक्षय है, और वाटर जो सोर्सेज है वो भी हमारा अक्षय है, साइकिल चलती रहती है इसकी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हमारे समाप्त हो सकते हैं समय के साथ साथ, जैसे कोयला, तेल और गैस, और ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम यूज़ में लाते हैं, तो ये हमारे पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने जाना कि ऊर्जा संरक्षण के चैप्टर में कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से हम उसको अध्ययन के लिए क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मेरे चैनल में आने के लिए, और यदि आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।